अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ पीयर 3 सेशन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। फर्स्ट वी स्टार्ट आवर ओरल सेशन। वी विल रिवाइज दुआ फॉर वेयरिंग क्लोथ्स। ये आप लोगों की पीपी बुक में है। दुआ फॉर वेयरिंग क्लोथ्स मतलब कपड़े पहनने की दुआ। आप मेरे साथ रिवाइज करेंगे विद ताऊज एंड तस्मिया। ओके, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كساني هذا ورزقانه من غير حول مني ولا قوة। ठीक है, आप लोग भी इसी तरह से रिवाइज करेंगे दुआ फॉर वेयरिंग क्लोथ्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग का पेज। आ न्यू डॉग जो बुक आपकी स्टार्ट हुई है उसका पेज नंबर 6 है जो रिवाइज करेंगे आप लोग मेरे साथ। रिवाइज विथ मी TH EY दे LOOKED looked ATHE DOGS dogs they look at the dogs they look at the dogs। ये आप लोगों का पेज नंबर 6 है अ न्यू डॉग बुक का। ये आप लोगों को इसी तरह से रिवाइज करना है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट? दिस इज प्रीति सेशन। नाउ वी विल स्टार्ट अवर मैथ्स कॉपी वर्क। मैथ्स की कॉपी में जो वर्क है वो आज है टेबल ऑफ 4। टेबल ऑफ 2 and 3 आप लोग कर चुके हैं, आप लोगों का डन हो चुका है वो कॉपीज में भी। आज हम करेंगे टेबल ऑफ 4, लेकिन आज हम हाफ करेंगे। अब देखिए मेरे साथ राइट कीजिएगा आप लोग, पहले रीड एंड राइट। 4 ones are 4, ओके। 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20। अगेन रीड करें, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20। ठीक है, ये इसी तरह से आप लोग राइट करेंगे और रीड करेंगे। ये हाफ टेबल अभी मैंने करवाया है आप लोगों की मैथ्स की कॉपी में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर इंग्लिश बुक वर्क। इंग्लिश की बुक में जो वर्क है पेज नंबर 79 है, 1 and more than 1। रीड द नाउन साइड द सर्कल द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ईच वन। अब यहाँ पे देखें पिक्चर्स हैं और उसके बाद यहाँ पे हमें वर्ड दिया हुआ है। यहाँ से हमें वर्ड पढ़ना है, पिक्चर देखनी है कि पिक्चर हमें सिंगुलर में दी है प्लूरल में दी है। उसके बाद जो भी इसका करेक्ट आंसर होगा उस पर हमें सर्किल करना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है, वॉच, तो ये एक तो नहीं है, ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे 2 लिखे हैं कि WATCHS, सिर्फ इसमें एस ऐड हुआ है। और इस वाली में स्पेलिंग में WATCHES ऐड है। ठीक है, जब यहाँ पर लास्ट में CH आ गया है तो हमने यहाँ पे क्या ऐड करते हैं, वहाँ पे हम ES, हमने ES वाला भी किया है ना प्लूरल में, तो हम वहाँ पे क्या ऐड करते हैं ES। तो अब हमें कौन सा राइट है यहाँ पे, किस पे सर्किल करना है, वॉचेस, WATCHES वाले पे। ओके, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में ES आया। अब सेकंड देखें, ट्रक, तो अब हमें कौन सी स्पेलिंग राइट है इसमें, TRUKES एक और एक है TRUCKS, ट्रक्स, तो राइट कौन सी है, TRUCKS, ट्रक्स। ओके, इसी तरह से बाकी भी आप देखेंगे पिक्चर्स और जो सही स्पेलिंग है, और आप लोगों को भी पता होना चाहिए जहाँ पे SHCHOS इस तरह के वर्ड्स आते हैं वहाँ पे ES राइट करते हैं। तो पहले इसको अच्छी तरह से देखिएगा, रीड कीजिएगा, उसके बाद सर्किल कीजिएगा। और ये पेज है आपका 79, इसको कंप्लीट करना है आपने। तफहीम की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है पेज नंबर 9। पहले भी आप लोग कर चुके हैं, आज हम अगेन कर रहे हैं। आपकी जो तफहीम की बुक है उसमें है
पेज नंबर 9 पे अल्फाज बनाइए। ये वर्क आप दूसरी वाली बुक में भी कर चुके हैं और दुखी और कॉपी में भी किया है हमने। अलिफ मद आ, ये क्या लिखा है यहाँ पे? अलिफ मद आ, अलिफ मद आ वाले अल्फाज हैं, हमें अलिफ मद आ लेके और यहाँ से एक हरफ उठाना है और उसको मिला के लिखना है। जिस तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, अलिफ मद आ, देखें इसके साइड पे ये है ना सारे एरो, तो इसका मतलब है अलिफ मद आ से सारे अल्फाज बनेंगे। ठीक है, सबसे शुरू में हम क्या लगाएंगे सारे अल्फाज में? अलिफ मद आ, जीम साकिन आज, फिर इसी तरह अलिफ मद आ, पे साकिन आप, अलिफ मद आ, मीम साकिन आम। ठीक है, इसी तरह से आप ये बाकी भी जो इसके तीन और हैं ये कंप्लीट कीजिएगा अलिफ मद आ के साथ। ओके, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीम। इसका मतलब है हमें किससे बनाने हैं सारे अल्फाज, मीम से, लेकिन हम मीम बाद में लगाएंगे, पहले हम यहाँ से ये वाले अल्फाज लिखेंगे उसके बाद हम मीम लगाएंगे। अब देखें सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, काफ अलिफ काफ, मीम साकिन काम, उसके बाद क्या है, दाल अलिफ दा, मीम साकिन दाम। ठीक है, इसी तरह से दो हरफ और हैं, दो अल्फाज और हैं, ये भी आप कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 9 पे।